नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर नाइन और मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। पचोर के ग्राम आसारेटा पवार में बस स्टैंड पर देश के वीर शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। शहीद जवानों पर हमले को लेकर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है, तो वहीं ग्रामीणों ने नवयुवक के द्वारा जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हाईवे पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवान को समस्त ग्रामवासियों के द्वारा 111 मोमबत्ती जलाकर 5 मिनट मौन धारण रखा गया एवं आर्मी यूनिफॉर्म पर माल्यार्पण करते हुए ग्रामीण जनों ने श्रद्धांजलि दी। पैगाम देना चाहते हैं, काफ़ी दुख का विषय है। आज जो हमारे जवान शहीद हुए हैं अवंतीपुर बॉर्डर पर शहीद हुए हैं, ये देश के लिए बड़ा बहुत दुख का विषय है। और जब भी ऐसा दुख का विषय आता है, कोई भी देश की समस्या आएगी, तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे कि आज हम उचन करते हैं समस्त युवा मंडल आसाटा पर। आप सरकार से क्या कामना करना चाहते हैं? सरकार से कामना करना चाहते हैं हम कि इसका जल्दी से जल्दी इसका फैसला लिया जाए, ताकि बदला लिया जाए और काफी दुख के साथ इनको कठोर दंड दिया जाए, कठोर दंड दिया जाए, पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ इनको जड़ से नष्ट किया जाए, चाहे देश की किसी भी हालत हो, पर ये जो आतंकवादी है पहले इनका काम होना चाहिए आतंकवाद के खिलाफ, नष्ट जड़ से नष्ट होना चाहिए आतंकवाद, ताकि देश सुरक्षित रह सके। कल से और भी घटना घट सकती है और जो हमारे जवान शहीद हुए हैं वो काफी दुख का विषय है कि उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, आज कैसे हालत हो रही है, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनके पिताजी, उनकी कैसे हालत हो रही है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जिनके घर में घटना हुई हो। हाँ, जिनके घर में घटना हुई है, जिनके घर में आज मातम छाया हुआ है, उनके शरीर में आज पहचान नहीं पा रहा है कि कौन सा किसका लड़का था, किसका भाई था, किसी का पति था, किसी का पुत्र था, उनकी आज बहुत बुरी दुर्घटना से गुजर रहे हैं वो। और हम माननीय मोदी जी से, जो भी सरकार जी, जो भी सेवक, जो हमारे देश की रक्षा करने वाले हैं पदाधिकारी, उनसे ये काम चाहते हैं कि जल्द से जल्द कठोर दंड दिया जाए। घटित घटना जी बहुत ही दुखद घटना है इस देश के लिए जी। इस घटना के पीछे जिन लोगों का हाथ है जी, उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाए, ये संदेश हम भारत की सरकार को देना चाहते हैं तथा हम पाकिस्तान को इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ये देश उन लोगों का देश है जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज की प्रथा चलती है जी। पाकिस्तान को भी यहाँ अपने कान पर और ध्यान में रखना चाहिए कि जो घटना हुई है इसका हिसाब उससे ब्याज सहित लिया जाएगा जी। और मैं युवाओं को भी दो पंक्तियों के माध्यम से कुछ कहना चाहता हूँ कि जो अब तक न खोला वो खून नहीं वो पानी है, जो अब तक न खोला वो खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। जो भी जितनी भी माताएं हैं उन्होंने अपने लाल को शहीद हुए हैं, ये उनके लाल नहीं है। आज हम ये विश्वास दिलाते हैं ये लाल जो भी शहीद हुए हैं, ये भारत माता के लाल शहीद हुए हैं, बड़े ही दुखद विषय की बात है ये। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम समस्त ये सभी युवाओं को ये प्रेरणा देना चाह रहे हैं कि सभी इस कार्यक्रम से जुड़े और इस देश के हित में ज्यादा नहीं पर श्रद्धांजलि के आज रूप में आज हमारे पूरे गांव ने एक मार्गदर्शन दिया है। पचोर से घनश्याम परमार की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।